मुरादाबाद के अगवानपुर में लगातार राजनीति और कब्रिस्तान की जमीन को लेकर एक नया मोड़ आ चुका है। इमरान मिल्की ने जहां ये कहा था कि ये जमीन मैं कब्रिस्तान को देता हूं, तो वहीं अब कब्रिस्तान की जमीन पर एक और व्यक्ति सामने आया है। उसका कहना है कि इमरान मिल्की ने ये जमीन उसे बेची है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारी ने पहुंचकर इस मामले की जांच के आदेश दिए, साथ ही कहा कि बाउंड्री कराई जाए। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और कहा कि क्षेत्र में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही क्षेत्र में विकास कार्य को किया जाएगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और अधिशासी अधिकारी अगवानपुर सुनील कुमार धनवंता ने आज कब्रिस्तान के पास की जा रही बाउंड्री के कार्य को देखा और सभी स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। साथ ही क्षेत्र में कहा कि नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा और सभी लोग उसमें सहयोग करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसका भी जायजा लिया जा रहा है, साथ ही जो कमियां हैं वो कमियां दूर की जाएंगी। ईदगाह रोड पर तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जहां ठेकेदार की लापरवाही देखी जा रही है। नोटिस भी जारी कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत अगवानपुर के अध्यक्ष गुलरेज खान भी मौजूद रहे। कब्रिस्तान के जैसे कि पहले समझौता हुआ था यहाँ के सभासद और यहाँ के नागरिकों के बीच में और नगर पंचायत के लोग के बीच में, कि जो अतिक्रमण है वो यहाँ के लोग के द्वारा खुद हटवाया जाएगा और बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया जाएगा। जो बाउंड्री वॉल का निर्माण इसमें करवाया जा रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कार्य संपन्न हो रहा है। जमीन के कुछ कागज लोग दिखा रहे हैं कि ये जमीन हमने खरीदी है या बेची है, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है? अभी तक वो कागज मुझे दिखाए गए, लेकिन उनको वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसमें सच्चाई क्या है। इसके लिए मैंने लेखपाल को बोला है उन कागजों को एक बार वेरीफाई करा जाए। आज आपने कहाँ कहाँ का निरीक्षण किया है, क्या व्यवस्थाएं दिखी? इसके अलावा जो गाटा संख्या 984 है, वार्ड नंबर 12, उसमें तालाब हम लोग अमृत सरोवर के तहत खुदवाई करा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार के द्वारा इसमें काफ़ी उदासीनता बढ़ती जा रही है और उसके लिए उसको नोटिस दिया जा चुका है। आज उसको फ़ोन पर अवगत कराया गया है कि एक सप्ताह के अंदर काम खत्म करें, अन्यथा उस पर कार्रवाई करी जाएगी। कब से चल रहा था सर काम और कब खत्म होना था? सर ये काम अगर देखा जाए तो 2022 से दिसंबर से चल रहा है, लगभग इसको 1.5 साल होने जा रहे हैं। और जो समय दिया गया था इनको 2 माह का समय दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने काफ़ी इसमें लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से उसको नोटिस भी दिया जा चुका है और अब ये उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए। और इसके अलावा कहाँ कहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और क्या? इसके अलावा जो यहाँ पे जितने निर्माण के कार्य चल रहे हैं, चाहे सड़क बन रही हो, नाली बन रही हो, पाइपलाइन डल रही हो, हर जगह का मैंने एक रिपोर्ट मंगाई है कि कौन कौन से काम अधूरे हैं और उनको एक सप्ताह के भीतर भीतर पूरा कराने का टारगेट है। जनपद के नगर पंचायत अगवानपुर में टेम्पो स्टैंड के पास कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करने के लिए पूरा कुरैशी समाज आगे आया। सभी ने एक दूसरे का सहयोग लेकर कब्रिस्तान की बाउंड्री कराना शुरू कर दिया है। बूढ़े बच्चे नौजवान सभी इस कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। साथ ही क्षेत्र के सभासद मोहम्मद शमी जुनैद आलम शमी मुशी का भी इस कार्य में सहयोग रहा। नगर पंचायत अध्यक्ष गुलरेज खान की मौजूदगी में कार्य हुआ। आपको बता दें कि जमीन को लेकर एक विवाद सामने आया था। कुछ दिन पूर्व नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष इमरान मिल्की ने एक बैठक के दौरान कहा था कि कब्रिस्तान मेरी जमीन है, जिसको लेकर कुरैशी बिरादरी से उनका मुकदमा चल रहा था। उसके बाद इमरान मिल्की ने ये कहा कि मैं ये जमीन कुरैशी बिरादरी और कब्रिस्तान को देता हूँ, जिसके बाद पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर इस दौरान क्षेत्र में ही मुशरफ नाम के व्यक्ति ने आकर कहा कि ये जमीन मुझे इमरान मिल्की ने बेची थी और इसकी रजिस्ट्री भी मेरे पास है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाउंड्री वॉल कार्य को रोक दिया गया। मौके पर पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार धनवंता ने पूरे मामले की जानकारी ली और कहा कि बाउंड्री वॉल का काम नहीं रुकेगा। मुनसफ अली जी, इमरान मिल्की ने ये कहा था कि ये जमीन मैं कुरैशी बिरादरी को देता हूं, तो उसमें आपने क्या एतराज जाहिर किया है? मैंने तो कंप्लेंट करी थी फिर इस बात से। क्या कंप्लेंट करी, क्यों करी? क्या भाई वो जमीन मुझे बेच दी, मुझे पहले क्यों बेची जमीन जब तुम्हें देनी थी? तो बेचते ना तुम, आपको बेच दी है। कितने रुपए के लिए आपने वो जमीन? मैंने 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए की जमीन? जो जो बनाने में लिखवाया रजिस्ट्री है आपको? हाँ, रजिस्ट्री है मेरे पास। कितनी जमीन है वो? वो है 208 मीटर। मतलब प्रशासन क्या कह रहा है? अभी बात चल रही है। मतलब इमरान ने आपको जमीन बेच दी थी? हाँ ठीक, आपके पास रजिस्ट्री की है जी। आप क्या चाहते हैं? अब जो भी निकलेगा समाधान देखते हैं। मतलब क्या चाहते हैं, जमीन चाहते हैं या पैसा चाहते हैं? जो भी दोनों में से एक मिले। उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण के कार्य को लेकर प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों से हमारा पहले ही समझौता हो चुका है, समझौते पर हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। दुकान मेरे कहने पर हटा दी गई थी, अब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई जाएगी, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसके बाद दोबारा बाउंड्री वॉल के कार्य को शुरू करा दिया गया है। चेयरमैन साहब, ये कब्रिस्तान का क्या मामला था? कब्रिस्तान का एक नंबर है 548 का, इसमें कब्रिस्तान है कुरैशी बिरादरी का, इसमें एक रजिस्ट्री निकली 544 घंटे की, जो कि इमरान मिल्की पुत्र पूर्व चेयरमैन के पुत्र हैं, उन्होंने एक ढोंग रचा
कि कुरैशी बिरादरी के साथ एक तो रजिस्ट्री करी है वो अपनी 208 वर्ग मीटर की रजिस्ट्री कर दी 544 में, और इनसे आके कह दिया कि हम आपको दान देते हैं ज़मीन। ये आगे इन्होंने 4 तारीख में इन्हें दान दे दी और 1 तारीख में रजिस्ट्री करा दी। अब सुनो, वो एक फ्रॉड करा पूरी तरीके से, जिससे समाज को ठेस पहुँची, इनकी भावनाओं को ऐसी ठेस पहुँचाई गई भी इन लोगों ने मिठाई बांटी कि चलो हमें दान मिल गई ज़मीन, जो 35 साल से मुकदमा चल रहा था और उसमें रजिस्ट्री कराए पड़े हैं। तो ये तो एक फ्रॉड है, एक चीट करी उन्होंने। इस चीज़ से बस्ती में एक गलत मैसेज गया, इस समाज को, इनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई। अब जिसमें और जिन्होंने रजिस्ट्री कराई थी वो आया कि भाई मैंने तो 50 लाख रुपये दे दिए। अब पता नहीं क्या ड्रामा उन लोगों का कि इधर दान दे रहा हूँ, उधर जो वो एप्लीकेशन भी लगा रहे हैं। अब क्या प्रयास है? अब प्रयास ये, हम सौंदर्यीकरण के लिए बजट पास कराया हमने, बेंडिंग जोन के लिए। यहाँ पे हम यहाँ सौंदर्यीकरण करा रहे हैं मेन रोड पे, सब अतिक्रमण हटवा दिया है, सब लोगों ने रजामंदी से बैठ के हम लोगों में ये बात हुई, कुरैशी समाज में और ईओ साहब में और हम में, सब में बैठ के नगर पंचायत में समझौता हुआ कि भाई ये हम अपनी मर्जी से अतिक्रमण हटाएंगे अपने खोखे वोखे, और आप नगर पंचायत से इसकी बाउंड्री करा दीजिए। हमने वो बाउंड्री का कार्य शुरू कर दिया। हमारे जो IAS अधिकारी जो ईओ हैं नगर पंचायत अकबरपुर के, उन्होंने आदेश करा कि बाउंड्री नहीं रुकेगी, ये लगातार काम होगा। और सभी ने नगर पंचायत के अध्यक्ष के साथ सभासद और जॉइंट मजिस्ट्रेट का आभार भी व्यक्त किया। वहीं नगर पंचायत के अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री के कागज दिखा रहा है उसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने नगर पंचायत में किए जा रहे सभी विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कहा कि नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। जी हाजी जी, ये कब्रिस्तान की जमीन का क्या मामला था, पूरा ये बताइए। मामला कुछ नहीं था, ये सब जमीन कब्रिस्तान की थी, लोग तो उसमें विवाद जबरदस्ती डाल रहे थे। ये सब पहले से कब्रिस्तान की जमीन है, पुरखों की बहुत नस्लें हैं, दफन है, सब कब्रिस्तान की जमीन थी ये, और इसमें आज ईओ साहब ने आके ये काम करा दिया है। हाँ, ईओ साहब ने कह दिया इसकी बाउंड्री वॉल करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर मतलब सुंदर होगा ये कब्रिस्तान, पूरे सजाएंगे इसे। हाँ, पूर्व जन ने घोषणा करी थी, लेकिन घोषणा के बाद उनकी ये बाद में विवाद निकल गया कि उन्होंने किसी को बैनामा करा दिया। अब बैनामा कराने वाला पता चलता है कि पूर्व जन ने जमीन किसी को बेच दी। अब उन्हें एक तरफ तो उन्होंने जमीन बेच दी, उधर उन्होंने जो है हमें कहा दान कर दी मैंने, तो ये चीज़ गलत हो गई ना भाई। आपने दान करी थी तो चीज़ को आप पहले बताते कि साहब हमने जो है जमीन दान कर दी, हमने इसमें बैनामा नहीं कराया किसी को। अब उसमें बैनामा भी हो गया और जमीन में दान हो गई, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। ईओ साहब कह गए बाउंड्री वॉल के लिए, वो करा गए है, वही अकबरपुर के चेयरमैन साहब है गुलरेज खान, ये हमारे साथ है, इनका पूरा सहयोग हमारे साथ रहा है, और ये सुबह से ही यहाँ खड़े हैं मौजूद, ये सुबह से यहाँ खड़े हैं, सारा काम इनकी देखरेख में चल लिया। क्या मामला है? देखिए, अभी संज्ञान में आया था कि यहाँ जो है कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण के लिए जो है लोग गए थे कुरैशी समाज के और तमाम समाजों के, तो ईओ साहब ने इन्हें जो है आश्वासन दे दिया था कि हम जो है बाउंड्री कराएंगे नगर पंचायत की तरफ से और जो है इसका सौंदर्यीकरण कराएंगे। मगर आज जो बाउंड्री हो रही थी तो पता ही चला कि पूर्व चेयरमैन इमरान मिल्की ने जो है यहाँ 208 मीटर का एक रजिस्ट्री मुनसफ नाम के आदमी को करा दी है, तो इससे जो है रोष का माहौल हो गया पूरे समाज के अंदर। तो अब ईओ साहब आए, उन्होंने कह दिया बोले ये, हालांकि मैं प्रधान रहा हूँ पूर्व प्रधान, तो मेरे भी संज्ञान में है कि ये जो है 548 नंबर है जो सिर्फ कब्रिस्तान का है, क्योंकि इसकी जो चौधरी है वो पूरी तरीके से अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब इसी के अंदर वो जो है 544 की गार्डन संख्या निकाल रहे थे, जहाँ जो है पैमाइश करके पता चला कि वहाँ यहाँ जो है अब उनको कुछ नहीं है। अब इसमें जो है ईओ साहब ने कह दिया, आज जो है पूरे अकबरपुर में एक बेहतरीन मैसेज गया कि जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो वाकई में जो है न्याय हित में काम कर गए। उन्होंने कह दिया बोले नपवाया तो ये 548 नंबर निकला। अब 548 के अंदर जो है उन्होंने बाउंड्री वाल का काम शुरू करा दिया है, जिससे कि पूरा समाज और पूरा अकबरपुर पूरी तरीके से जो हर्ष और उल्लास के साथ जो है खुशी मना रहा है।